अस्सलाम वालेकुम मैं उदर अजर और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स लाउंज प्रेजेंटेड बाय वुल्फ सेवन न्यूज ओनली ऑन जियो सुपर कल रात को पाकिस्तान ने एक सनसनीखेज मैच के बाद इंडिया को पांच विकटों से शिकस्त दी इंडिया का स्टार्ट बहुत ज़बरदस्त था लेकिन उसके बाद स्टैंड आउट परफॉर्मेंसेस बाय द बॉलर्स इन द पाकिस्तान टीम एंड उसके बाद बैटिंग में एक बहुत ही कैलकुलेटेड चेस के बाद पाकिस्तान हैज़ मैनेज्ड टू डिफीट इंडिया इन द सुपर फोर ऑफ द एशिया कप और अब पाकिस्तान की कोशिश होगी कि वो अपनी सेमी अपनी फाइनल में जगह पक्की करे हम आज इस पर एक डिटेल्ड एनालिसिस देंगे और इस बात पे भी बात करेंगे कि क्या की पॉइंट्स थे या क्या की हाइलाइट्स थी इस मैच के अंदर उसके अलावा आज हम प्रीव्यू करेंगे सैफ वुमेन चैंपियनशिप का जिसमें पाकिस्तान की टीम आठ साल बाद हिस्सा लेगी विल हैव सम गेस्ट ओवर एज वेल टू डिस्कस दैट उसके अलावा हम आपके ट्वीट्स को भी इस शो का हिस्सा बनाएंगे सो वी हैव अ फुली रीजन आई लव दिस बिकॉज पिछले मैच में मैंने ये कहा था कि दोनों टीम्स में फर्क नहीं है इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी सिर्फ प्लानिंग अगर थोड़ी सी बेहतर हो तो पाकिस्तान कैन बीट इंडिया अगर आप दोनों मैच उठाकर देखें दोनों लास्ट ओवर तक जाते हैं दोनों में ऑलमोस्ट सिमिलर नंबर ऑफ रन एक रिक्वाड है चेसिंग टीम को आखिरी ओवर के अंदर ठीक है डिफरेंट दोनों मैचेस में ये है कि एक मैच में इंडिया ने अपनी लो वैल्यू विकेट यूज़ की रविंद्र जडेजा को नंबर चार पे भेजा और इस मैच में पाकिस्तान ने मोहम्मद नवाज को यूज़ किया उसको नंबर चार पे भेजा पाकिस्तान हैज़ कंसिडरेबल बैटिंग रिसोर्स इन टी ट्वेंटी क्रिकेट अगर हम अपना बैटिंग ऑर्डर सही तरह यूटिलाइज़ करें बिकॉज uh, अगर नवाज़ पहली बॉल पर भी आउट हो जाती या दूसरी तीसरी बॉल पर भी आउट हो जाते तो आपके फिर भी इफ्तार आसिफ खुश्तिल शादाब पड़े थे तो द रिस्क इज़ वर्थ टेकिंग के नवाज और शादाब में से एक जो है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन उसको नंबर चार पे प्रमोट किया जाए अब कल अगर रिजवान आउट होते उस स्टेज के ऊपर फखर ना आउट होते तो राइट हैंडर को भेजना चाहिए था विज गुडा मिनट शादाब आते लेफ्ट हैंडर आउट हुए है, फखर आउट हुए तो उसकी जगह नवाज भेजा दी अदर थिंग इज के कभी कभी हम लोग टीवी पर मैच देखते हुए हम ये रियलाइज नहीं करते कि सब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ अ क्रिकेट मैच आर डायमेंशन ऑफ द ग्राउंड और पाकिस्तान ने मेंशन भी किया कि डायमेंशन ऐसी थी कि एक एंड से बाउंड्री जो थी इट वाज वेरी बिग सो दैट इज वाई लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन जो है वो रखना बहुत जरूरी था एक्सप्लेन कर दे यहां पर कि ये होता ही है कि जब लेफ्ट हैंड राइट हैंड होता है तो इसका मतलब ये होता है कि जब कोई ना कोई मौका ऐसा जरूर आएगा जब उन दोनों बैट्समैन के लिए देर बी वन शॉर्टर बाउंड्री ऑन द लेग साइड साइड उनकी जो है वो छोटी होगी एंड दैट हेल्प्स ऑलवेज एंड आई आई हैव सीन एल के मैचेस और इंटरनेशनल मैचेस जहां पे जब आप एंड में स्टैट्स देखते हैं तो आप कहते हैं यार कितने यू नो हाउ मेनी वर हिट बट व्हेन यू सी लेफ्ट हैंड राइट हैंड वाला देखते हैं तो आप देखते हैं कि ऑल ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द द द वर हिट ऑन ऑन लेग साइड साइड ऑफ द बाउंड्री उसकी वजह यही है कि लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन होता है तो एट नो पॉइंट जो अपोजिशन है वो कंफर्टेबल है एट नो पॉइंट डू दे हैव अ लार्जर बाउंड्री ऑन वन साइड अच्छा so, और और इसी में ये बता दूं सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ मैं थोड़ी सी फर्दर एक्सप्लेनेशन देता चलूं कि ये ग्राउंड एमेंशन इस तरह भी इम्पैक्ट करते हैं कि फॉर एग्जांपल जब अबू धाबी में मैचेस हुए थे तो सवाल उठा था सारी टीमों से सवाल उठा था कि आप दो ये क्या हो रहा है कि दोनों एंड से स्पिन क्यों नहीं लगाया जा रहा yes. तो वो इस वजह से भी नहीं लगाया जाता था क्योंकि अगर राइट हैंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन होता था या क्या तो एक डायमेंशन क्योंकि वहाँ पर तो छः से सात स्ट्रिप्स होती थी तो अगर आप पाँचवीं छठी सातवीं स्ट्रिप yes. पर खेल रहे होते थे तो एक साइड की डायमेंशन बहुत ही छोटी होती है पर आपको हवा का भी टेक इन टू अकाउंट करना पड़ता है तो देन यू वुड ट्राई टू मेक श्योर कि आप अपने स्पिनर को It is like, uh, और ताहिर, आप अपने स्पिनर को शॉर्टर साइड पर एक्सपोज ना करेंगजैक्टली एंड के आपने जो ग्राउंड डायमेंशन की बात की वन ऑफ माई फेवरेट टॉर्नामेंट डोमेस्ट नेशनल टी ट्वेंटी कप हुआ था फैसलाबाद के अंदर तो उसमें दो तीन मैचेज है जितने एक साइड की बाउंड्री दैट वज रफली अराउंड फिफ्टी फिफ्टी फाइव मीटर्स एंड दर साइड और समथिंग लाइक एटी मीटर्स तो उस ग्राउंड के ऊपर वो पूरा अगर नेशनल टी ट्वेंटी कप उठाकर देखें तो सारे ऑल दिक्सर हिट ऑन वन साइड एंड uh, बेसिकली अगर किसी टीम के पास लेफ्ट राइट कॉम्बो होता तो दोनों एंड से वो फिर अटैक कर सकते थे एंड उसमें उसमें बेसिकली इस तरह की चीज़ों के अंदर आपको जो टैक्टिकली स्ट्रेटिजिकली तब पता चल सकता है जब आप ग्राउंड में मौजूद हों डग आउट में मौजूद हों बिकॉज दीज आर थिंग्स दैट दे नो आप टी के ऊपर दिस इज़ अनदर थिंग दट टी ब्रॉडकास्ट के अंदर जो चीज़ है वो आई होप के इ फ्यूचर जो है उसके ऊपर बातचीत हो बिकॉज जो कॉमेंटेटर्स हैं जो ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं उन और दे आर ऑल अवेयर ऑफ दीज स्मॉल थिंग्स इन क्रिकेट अगर ये ऑडियंस तक भी बात पहुँचे और ये डायमेंशनस के ऊपर बात हो और बार बार रिपीट हो के यू नो हाउ इम्पॉर्टेंट रोल द विंड प्लेज विच साइड ऑफ द ग्राउंड इज बिगर क्यों कैप्टन ये कर रहा है आई मीन दोज इनसाइट्स जब वो इनसाइट्स मिलती हैं तो गेम में इंटरेस्ट भी आई फील थोड़ा ज़्यादा बेहतर होता है चलते हैं वापस मैच की तरफ चलते हैं रिहान पाकिस्तान ने टॉस जीता और टॉस जीतने के बाद नो सरप्राइजेस इज देर चेस करने का फैसला किया लेकिन जब इंडिया फील्ड में उतरा तो दे व देयर विद क्लियर इंटेंट आई नो में हमेशा हम इंटेंट वगैरह का सवाल उठाते हैं लेकिन क्लियर आपको इंटेंट नज़र आई ना सिर्फ रोहित शर्मा की तरफ से लेकिन के एल राहुल की तरफ से एज़ वेल well. और बहुत ही उनका फ्लाइंग स्टार्ट था इन द पावर प्ले यहाँ पर मैं रिहान थोड़ी सी एक बात करूँगा कि आई नो जीत गए हैं और तनकीद ब्राए तनकीद नहीं होनी चाहिए लेकिन एक एक क्रिएटिव क्रिटिसिज्म एटलीस्ट मेरे दिमाग में ज़रूर था और आई एम प्रीटी सर्टन आपके दिमाग में भी होगा क्योंकि मैं और रिहान और हसन चीमा जिस ड्रेसिंग रूम में होते हैं वहाँ पर हमारे भी काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम वी वी आर ऑल्सो ऑन टॉप कि हमें पता हो कि क्या क्या रिसोसेज़ आपके पास हैं और आप क्या क्या उन्हें फ़र्दर यूटिलाइज कर सकती है मेरा कहने का मतलब ये है कि जब रोहित शर्मा ने उस तरीके से नसीम शाह और सेकेंड ओवर में हसनैन पर अटैक किया था तो देर कुड हैव बीन अ सिचुएशन वेर नवाज कुड ब्रॉट इन अर्लीयर अगेंस्ट दैट टॉप ऑर्डर इन द पावर प्ले ताकि उनसे एक दो ओवर कर पोटेंशियली दो ओवर करवाए जा सकते थे अभी ये करवाया उससे फ़ायदा ये होता कि अगर बाद में आपके स्पिनर्स को उस सपोर्ट मिलती जिस जिसना मिली है तो खुश्तिल कुड ऑल्सो हैव बीन इंट्रोड्यूसड लेटर ऑन टू एटलीस्ट रिड्यूस द रिस्क

आप अगर ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नवाज़ यू नो ही विल चेंज हिज प्लान या नवाज़ कुछ बेसिकली डर जाएगा या कोई ऐसी चीज़ होगी ऐसा बिल्कुल नहीं होता आई फील एनी वन हुज़ वर्कड विद नवाज एनी वन हु नोज नवाज उसको पता है कि वो ही जस्ट फोकसज ऑन द नेक्स्ट बॉल कि अब अब ये प्लान है अब ये मैंने करना है तो यू सीन अ लॉट ऑफ टाइम्स के उसको पहली बॉल पे छक्का लगे भी तो ही बाउंस बैक रेडी वेल आई रिमेंबर एक पी एस एल के मैच में बैन डंक टुकती है अटैक टू हिम लेकिन ही वॉज फेस्ड बाय इट इट एवरी बॉलर इन द वर्ल्ड टी ट्वेंटी क्रिकेट में कि कभी आपको मार पड़ेगी पर अगर यू नो हाउ यू रिस्पॉन्ड टू दैट डू यू चेंज योर यू नो टैक्टिक्स कंप्लीटली दैट इज वट शोज द ट्रू कैरेक्टर एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्रिकेट फ्रॉम अ प्लेयर एंड नवाज आई फील हैज इज़ वन ऑफ द स्मार्टर प्लेयर्स ये इन्होंने बात की ना उस एक ओवर की उस एक ओवर के सिलसिले में मैंने रिहान और नबील हाशमी ने नवाज का इंटरव्यू किया था तो आज मैं कोशिश करूँगा कि आज वो मैं क्लिप भी ज़रूर शेयर करूँ उनका रिएक्शन ऑन दैट पर्टिकुलर मैच लेकिन लेट्स कम बैक टू पाकिस्तान बोलिंग एंड फील्डिंग की सूरत हाल में एक तो फील्डिंग विध एक्सेप्शन ऑफ द लास्ट टू बॉल्स ब्रिलियंट ब्रिलियंट फील्डिंग और मुझे जो एक अच्छी बात नज़र आई मुझे ये नज़र आई कि आई थिंक इस मैच के अंदर वो पेस बॉलर्स पर एंगल्स क्रिएट किए हुए थे क्योंकि वो एंगल्स फील्ड के स्पेशली बाउंड्री राइडर्स के जो एंगल्स थे दे वर स्पॉट ऑन हसनैन वाज कमिंग बैक आफ्टर अ लॉन्ग टाइम हसनैन बोल्ड एब्सोल्युटली ब्रिलियंट ही बोल्ड ब्यूटीफुली वेल और हारिस रऊफ ने भी बहुत जबरदस्त खास तौर पर डेथ पर बहुत जबरदस्त बॉलिंग की थी जस्ट अनलक्की विद अ कपल ऑफ हम्बर्स लेकिन You have to talk about Shadab Khan. You have talk about Khan because he is someone who consistently aapko performance. He, he does something in the field, uh, a moment of magic in the field, consistently with the ball. Uh, if he stops the flow of run, and he just such an amazing all round cricketer. I would go out on a limb and say that he must be one of the top six all round cricketers in, in the world. Um, अगर मैं ये कहूँगा तो उसका थोड़ा डिफरेंट रिएक्शन है आप ये कह लें बट आई फील पाकिस्तान इज़ 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 एक्सट्रीमली ब्लेस्ड और ये हम पहले भी बात कर चुके हैं कि हम सिर्फ यूज़ नहीं ठीक करते लेकिन पाकिस्तान इज एक्सट्रीमली ब्लेस्ड टू हैव नवाज एंड शादाब इन द सेम जनरेशन इन द सेम टीम उसकी वजह यह है कि पूरी दुनिया में अगर आपने टी ट्वेंटी टीम पिक करनी हो और कॉम्पोजिशन बनानी हो तो यू you नो know, आप वन ऑफ द मेजर थिंग्स कि अगर आपके टॉप फाइव सिक्स में कोई एक बंदा ऐसा बैटिंग कर रहा हो जो चार ओवर भी आपको करा के दे दे तो आप या तो एक एक्स्ट्रा बैटर खिला सकते हैं टीम में या एक एक्स्ट्रा बॉलर खिला सकते हैं राइट नाउ पाकिस्तान आर अलाउड टू प्ले दैट एक्स्ट्रा बैटर जिसकी वजह से आप देख रहे हैं खुशदुल इफ्तार और आसिफ तीनों खेल रहे हैं ठीक है इसकी वजह यह है की आपका नवाज और शादाब है और बोथ ऑफ दैम गिवन द सिचुएशन आप उनको कहीं भी प्रमोट कर सकते हैं आपने शादाब की बॉलिंग की बात की ही हैज नॉट कंसीडर्ड अ सिंगल सिक्स इन दिस टूर्नामेंट सो फार रिमार्केबल फॉर अ स्पिनर टू नॉट कंसीड इज रिमार्केबल दी अदर थिंगज़ के द पार्टनरशिप बिटवी नवाज एंड शादाब इज सो इंटरेस्टिंग टू मी अगर आपने पहला मैच देखा हो पाकिस्तान वर्सेज इंडिया तो शादाब ने एक एंड कंट्रोल किया विच मीनसू टेक द अटैक टू नवाज एंड नवाज पिक्सअ टू विकेट्स सिमिलरली अगर आप कल का मैच देखें तो नवाज का एक ओवर हुआ है उससे पहले इंडिया ने हर ओवर में तकरीबन दस ग्यारह चौदह इस तरह करते रहे नवाज ने अपने पहले ओवर में आठ दिया विच मैंट के जैसे ही शादाब का हो रहा है इंडिया वॉन्टेड टू कंटिन्यू दैट मोमेंटम तो के राहुल ने चांस लिया और वो आउट हो गया सो so बेसिकली जब एक बंदा इकॉमी ठीक रख रह रहा था तो दूसरा विकेट्स ले रहा है और यू नो द पार्टनरशिप इज़ वर्किंग रेली वेल अगेंस्ट हॉन्गकॉन्ग तो उन दोनों ने यू नो आई मीन साढ़े चार ओवरों में मैच खत्म कर दिया बट दैट पार्टनरशिप इन बोलिंग एंड होपफुली होपफुली हम इस शो पर uh, कल ट्विटर पे भी हैदर भाई ने मुझे टाइगर के लिखा क्रिकेट uh, के इसके स्पोर्ट्स लॉन्च पे हमने पहले भी नवाज की बात की हम ये बात पिछले कुछ दो साल से कर रहे हैं होपफुल पाकिस्तान रियलाइजेज इतने रिसोर्सेज हैं कि अगर उनको यूटिलाइज ठीक तरह किया जाए तो पाकिस्तान इज ईजिल आई हैव नो डाउट अबाउट दिस ईजिली वन ऑफ द बेस्ट टी ट्वेंटी टीम इन द वर्ल्ड वक्त हो रहा है ब्रेक का ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे पाकिस्तान टिंग की और जिस तरीके से पाकिस्तान ने इस चेज को प्लान किया और एग्जिक्यूट किया देखते रहे स्पोर्ट्स लाउज विल बी राइट बैक वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स लाउन प्रेजेंटेड बाय वर्ल्ड ट्रिपल सेवन न्यूज़ हम ब्रेक पे जाने से पहले पाकिस्तान वर्सेस इंडिया की बात कर रहे थे ख़ास तौर पर पाकिस्तान की परफॉर्मेंस इन द फील्ड uh, इससे पहले कि मैं बैटिंग की तरफ मूव करूं रिहान वी हैव टू टॉक अबाउट द फ़खर जमान इंसिडेंट एज वेल क्योंकि कल तो लग रहा तो लग रहा था कि जिस तरह आप ऑनलाइन फ़खर को पब्लिक एनिमी नंबर वन बना दिया था बल्कि तनकीद भी हो रही थी कि फ़खर को टीम से निकालें और इस टाइप वाली बात मैं यहाँ पर सिर्फ इतना कहूँगा के फखर की अगर आप पिशती मतलब कोई और मैं बात नहीं कर सकता अगर आप पिशती दस भी निकाल लें उनकी इनिंग्स तो उसमें भी आई थिंक उनकी एक, एक, एक सौ है वनडे में और उनकी फ़िफ्टी प्लस स्कोर्स हैं पिछले मैच में यार फिफ्टी की है तो ज़रा इजी हो जाए और ज़रा औला रखे सारे एंड ही इज़ वन ऑफ योर सेफर फील्डर्स ही जस्ट अ बैड डे एवरी वन हैज़ बैड डेज ये नसीम शाह की मैं एग्जांपल देता हूं आपको नसीम शाह इन इज़ डेब्यू मैच अगेंस्ट इंडिया टू फोर ट्वेंटी सेवन की फिगर से कल जो है उनके दस से ऊपर से गए वन फो फोर्टी फाइव उनके फिगर से ये टी ट्वेंटी क्रिकेट में होगा आप एक दिन जो एज़ अ बॉलर जो है वो आप आउट कर रहे हैं आप से नीचे रन दे रहे हैं अगले दिन आपको पचास भी पड़ेगी अगर उसके बाद आप पैनिक कर जाते हैं तो आई मीन देन देर इज नो कमिंग बैक फ्रॉम दैट बिकॉज टी क्रिकेट में आप जितनी मर्जी अच्छी क्रिकेट खेल लें ऑन अ गिवन डे Uh, आपकी जो है लक आपके साथ नहीं हो सकती या आपकी परफॉर्मेंस भी ऊपर नीचे हो सकती है इट्स पार्ट ऑफ़ द गेम अगर इन चीज़ों की टेंशन हो इंसान को कि यार मैंने हर मैच में परफॉर्म करना हो ये तो दी इंटेंसिटी वो जो मेंटल प्रेशर अब आप अपने ऊपर ले रहे हैं उससे ही आपकी जो परफॉर्मेंस में डिप आएगा फखर की आपने बात की फखर इज़ वन ऑफ पाकिस्तान सेफेस्ट फील्डर्स इन दी आउटफील्ड फ uh, मुझे यू नो हंसी आती है कल भी हमारे काफ़ी जो वो यू नो सेलिब्रिटीज़ वग़ैरह उन्होंने भी ट्वीट की थी कि ये नेशनल लेवल की क्रिकेट है इंटरनेशनल लेवल की और फ़खर जमान जो है उन्होंने इतना स्कोर किया और ये किया यही है जिसने आपको चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में इंडिया गेंद स्कोर करके दिया है। तब आप तारीफों के पड़ <coughs> What... गया मतलब आई मीन इट इज इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल इन इन टी ट्वेंटी फॉर्मेट टू हैव अ गुड गेम इन एवरी मैच ठीक है इवन वेन बाबर एंड आजम जिनको बाबर आजम एंड रिजवान जिनको हम इतना कंसिस्टेंट कहते हैं वो हर मैच में तीस चालीस या पचास कर रहे होते इवन बाबर का इस वक्त जो है वो तीन मैच का इसका ये मतलब नहीं कि बाबर बुरा प्लेयर है इसका ये मतलब इट जस्ट है रिजवान स्कोरिंग रन एक दिन वो बहुत अच्छे स्ट्राइक रेट पे कर रहा है एक दिन उससे नहीं उस तरह हिटिंग हो रही उससे प्लेयर अच्छा बुरा नहीं होता इट इटन ये ये दिन दिन की बात है और ये अगर टी ट्वेंटी क्रिकेट में ये अंडरस्टैंड करने की बात है यू फॉलो अ प्लान इट वर्क्स ग्रेट इट डजेंट वर्क यू फॉलो द प्रोसेस दैट इज ऑल यू कैन डू एज अ टीम और कल जो ड्रेसिंग रूम की वीडियो आई है आई लव द फैट की वीडियो आई है कोई प्लेयर जो है उसको अगर आपको लगता है उनको फ़र्क नहीं पड़ता हार जीत से तो आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है जितना वो हार के बाद उनको हिट करता है या जितना वो अपनी गलतियां ख़ुद देखते हैं उतना कोई और इमेजिन भी नहीं कर सकता और ये मतलब है शाउट आउट टू पी सी बीज़ मीडिया डिपार्टमेंट खासतौर पर आई बिलीव इब्राहिम बदीस इज़ विद दैम सो हिम फॉर शेयरिंग दिस कॉन्टेंट बिकॉज इस टाइप का कॉन्टेंट बहुत ज़रूरी होता है इस्पेशली फॉर फैन इंगेजमेंट इससे पहले कि मैं पाकिस्तान की बॉल बैटिंग की तरफ चलूँ शाउट आउट टू दिस प्लेयर बाय द नेम ऑफ विराट कोहली फॉर प्लेइंग द वे दैट ही डेड बिकॉज ही वॉज एफर्टलेस एंड मतलब मैं बड़ी सी तरह यहाँ पर एक और बात भी कह रहा हूँ कल इंडिया की ऑन पेपर आपको लगता होगा कि बहुत समेटेबल बैटिंग है बट दे इफेक्टिवली हैड दे लास्ट प्लेयर एट नंबर या एंड द द फैक्ट फैक्ट के seven, I think, I, okay. के नंबर आई थिंक कल जो शॉट्स आपको देखने को मिली हैं विराट शर्मा ने जो पहले ओवर में आ, आ, नसीम को चौका मारा है बैटिंग केएल राहुल ने ऊपर वो, वो, दो, दो, से मारा और वर अनबिलीवेबल दैट इज व्हाई द नवाज एंड शादाब स्पेल इज अनबिलीवेबल बिकॉज ऐसा नहीं हुआ किसी भी पीरियड में उन आठ ओवर में दोनों स्पिनर्स का जब इंडिया ने उनको अटैक करने की कोशिश ना की हो वर ट्राइंग But because they bowled so well, they couldn't. You know, India couldn't take the attack to them. Virat Kohli, um, I mean, usually death overs Virat Kohli ne apna jo wo, wo pura team ka setup kiya. He was trying to play fast. He was trying to change his style of play. But death overs are usually he's one of the most dangerous batters at the death. That is why shout out and credit to Harris Rao for the way he and, bowled and to Virat a Kohli and, and a हारिस रऊफ का आखिरी ओवर में उसको दस पड़ी वो दो मिसफील्ड्स ना होती तो आप सात सात रन उसमें से निकाल देते तो तीन होती ही सेकेंड लास्ट ओवर विच वॉज इवन मोर स्पेशल वेंट फॉर ओनली एट रन आई मीन ही इज वन ऑफ द बेस्ट डेथ बॉलर इन द वर्ल्ड लोग फिर उसकी बात करेंगे फिगर्स देखेंगे वो मैच के बाद अगर किसी ने मैच ये वही बात है अगर कोई आपको इस मैच के बाद ये कहे कि हारिस रऊफ को तो जी मार पड़ी है तो इसका मतलब उसने मैच नहीं जीते देखा ओके अब चलते हैं तो पाकिस्तान की चेस की तरफ पाकिस्तान की चेस के अंदर ऑब्वियसली बात है एस पाकिस्तानी फैंस एक थोड़ा सा पॉजिटिव ही मैं कहूंगा कि बाबर के जल्दी आउट होने के बावजूद पाकिस्तान ने आ, अच्छा आ, अच्छे तरीके से चेस किया क्योंकि अमून बहुत ज़्यादा कहा जाता है कि बाबर पे भी बहुत ज़्यादा रिलायंस है टॉप तो थ्री की तो बात होती होती है ख़ास तौर पर बाबर आज़म के सिलसिले में बहुत ज़्यादा बात होती थी uh, लेकिन आई थिंक इट इज़ फेयर टू से इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम क्योंकि बाबर अभी भी टाइमिंग बिल्कुल ठीक करें कनेक्शन बिल्कुल ठीक करें इज़ जस्ट दैट कई दफ़ा आप नॉक में होते भी हो यू नीड बिट ऑफ लक टू गो योर वे और वही वाली सिचुएशन होती चली आ रही है एज फार एज बाबर इज कंसर्न पहला वाला जो इंडिया का मैच था वो जो टॉप एच पे बॉल गया था वही इन नॉर्मल सर्कमस्टांसिस ज़्यादा पेस से पीछे जाके चौका भी हो सकता था वो कैच हो गया इधर ही वॉज जस्ट ट्राइंग टू डैब इट एंड एंड गिविंग कैच नॉट ओवरली कंसर्न अबाउट इट मोहम्मद रिजवान मोहम्मद रिजवान जो क्लियरली कल इंजरी से स्ट्रगल कर रहे थे और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि हैविंग बिन हिम इन ड्रेसिंग रूम मोहम्मद रिजवान के अपने साथ वो बहुत ज़्यादा निगल्स कैरी करते हैं उसके बावजूद ही प्लेज एट द लेवल दैट ही डज दैट जस्ट द सॉर्ट ऑफ फाइटर दैट ही इज एंड वॉट ए ब्रिलियंट इन एंगजेस्टडे परफेक्टली पेश और आप आई थिंक आप ही ने ये ट्वीट किया था कि जब हमारा ये टॉप थ्री टारगेट सेट कर रहा होता है तो वहाँ पे थोड़ी सी अनसर्टिनटी होती है क्लैरिटी नहीं होती कि किस तरह अप्रोच करना है लेकिन जब जब चेज़ कर रहे होते हैं तो दे हैव देर टारगेट इन फ्रंट ऑफ देम दे नो हाउ टू प्लान एबसोलूटली दिस इज वाई पाकिस्तान का आई थिंक पिछले इक्कीस जो है टी ट्वेंटी जिसमें उन्होंने चेस किया अठारह पाकिस्तान जीता है एंड डजेंट मैटर वर्ट द टारगेट इज़ पाकिस्तान की मुश्किल तब आती है जब पाकिस्तान पहले बैटिंग कर रहा हो तो समटाइम्स अप्रोच बिकम्स टू कंजर्वेटिव इन द पावर प्ले बट वेन पाकिस्तान इज चेसिंग जब आपके इस टॉप थ्री को पता हो कि क्या टारगेट है तो दे कैन प्ले अकॉर्डिंगली एंड दैट इज द फ्रस्ट्रेशन दैट समटाइम्स वी हैव विद द फैट जब ये पहले बैटिंग करते हैं तो पोटेंशल है ये करने की पर यू नो समाइम्स द अप्रोच इज क्वेश्चनेबल लेकिन जो हमने रिजवान की बात की मुझे बहुत फनी चीज़ लगती है रिजवान आई थिंक वन इज मेकिंग फॉर ऑल द लॉस्ट ईयर्स टू आई फील के मैं पिछले कोई ढाई साल से इवन यू नो इन दी एस एल प्लेंग अगेंस्ट हिम रिजवान कभी गिर रहे हैं कभी वो शफल कर रहे हैं कभी ये हो रहा है ही इज डाइविंग इन टू द क्रीज इज गिविंग इज हंड्रेड परसेंट आप कह रहे होारे शॉर्ट नहीं लग रही ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा है डजन लुक इन टच सडनली सी द स्कोर कार्ड एंड ही इज़ ऑन फिफ्टी एंड दैट इज़ द काइंड ऑफ लाइक कल मैं बात करता कि वैन यू सी बाबर एंड रिजवान बैटिंग टूगेदर यू सी के इन टर्म्स ऑफ नेचुरल गिफ्ट एंड टैलेंट वो आप बाबर को देखते हैं आपको लगता है यार हाउ इजी इज़ इट फॉर हम एंड ऑन दी अदर हैंड रिजवान को आप वो देखते हैं कि यू नो ही इज मूविंग अराउंड ही मे बी डजेंट हैव ऑल दोज शॉट्स बट एट दी एंड जब आप स्कोर देखते हैं दोनों का सिमिलर स्कोर होता है एट सिमलर स्ट्राइक रेट्स दट इज़ वाई यू नो आई थिंक रिजवान मेरी नज़र में एंड दिस हाइव बीन सेंग फॉर अ वाइल्ड कि अगर हार्ड वर्क की कोई एग्जाम्पल है एंड एप्लीकेशन की कोई एक्जाम्पल है जिसको फॉलो करना चाहिए दैट इज मोहम्मद रिजवान एंड ई शोड अगेन येस्टरडे आई एम नॉट बिग फैन ऑफ प्लेयर्स गेटिंग इंजर्ड एंड कैरिंग ऑन बट विद रिजवान मुझे ये लगता है कि यू नो लॉट ऑफ टाइम्स उसकी जितनी भी निग्ज़ होती हैं पिछले दो साल से मैं सोच रहा हूँ तो दिस इवन येस्टरडे वैन यू नो फी आई वॉज थिंकिंग अल्लाह कर कुछ बुराना हो बट इफ एनी वन डज दैट एंड इट कैन ओनली बी रिजवान और अगर उस तरह ले रहे हो तो इट कैन ओनली बी रिजवान अच्छा रिहान और भी परफॉर्मेंस अच्छी थी हेट्स ऑफ टू आसिफ अली एंड खुशती फॉर इज नाइनटीन प्रॉब्ली वन ऑफ द मेजर पॉइंट मेरा game. ये वो है ना सो बेसिकली अब क्या होगा मुझे समझ आती है अक्सर जो प्लेयर्स कहते हैं ना कि यार ये क्या स्टैट्स वो वो क्योंकि वो ऐसे स्टैट्स आते हैं कि इसने कितनी पचास की इसने कितनी तीस की इसने कितनी बीस की खुशदिल और आसिफ की जिधर बारी आती है आप अगर एक्सपेक्ट करते हैं वो पचास करेंगे तो वो हर बॉल पर छक्का भी मारें तो पचास इज़ इम्पॉसिबल ठीक है दूसरी चीज़ ये कि आसिफ अली अगेंस्ट न्यूजीलैंड इन द वर्ल्ड कप पच्चीस स्कोर की बारह बॉलों के ऊपर फिर 24 की सात बॉलों पर अगेंस्ट अफगानिस्तान टू विन द मैच अब कल के मैच में स्कोर 16 ऑफ एट दो इनिंग्स यू नीड वहां पर अगर आप बारह या तेरह करते दोज आर नॉट इनिंग्स दैट यू नीड नॉट आउट होता और अपनी एवरेज बचाता दोज आर नॉट इनिंग्स दैट यू लीव नीड सिमिलरली खुशदिल ने पिछले मैच में जो किया इस मैच में यू नो काफ़ी क्रिटिज़म आया कि खुशदिल क्यों नहीं यू नो कर रहे थे एक तो ही नोस के बिश्नोई से बेहतर है कि वो पेसर्स को मारे और उसको पता है बहुत आसिफ एंड खुशदिल नो के नो मैटर वॉट पेसर इज अराउंड अगर आखिरी ओर में चौबीस पच्चीस स्कोर चाहिए देखें चेस एड दूसरा उसको ये पता है कि यू नो इवन इफ आई रोटेट द स्ट्राइक आसिफ अली है एंड यू नो मे बी आई कैन टेक इट डीपर सो आई मीन इट क्रिकेट वर्कस इन पार्टनरशिप्स एंड इट इट वर्कस विद द फैट कि यू नो योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस एंड यू अपलाई योर सेल्फ अकॉर्डिंगली तो ये जो कल उन्नीसवें ओवर में खुश्तिल और आसिफ ने किया है वो अगले दो साल बाद शायद लोग भूल जाएं लोगों को नवाज की इनिंग्स याद रहे शादाब की बॉलिंग याद रहे रजवान की इनंग्स याद रहे बट दट नाइनटीथ ओवर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज़ वाई नाइनटीन ओवर

वक्त हो रहा है ब्रेक का आ, ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हमने प्रीव्यू करना है वुमेन चैंपियनशिप का सैफ वुमेन चैंपियनशिप का तो उस पर बात करेंगे और ये पाकिस्तान मोहम्मद नवाज और ये वाली जो कॉन्वर्सेशन है और कि क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए अफगानिस्तान के खिलाफ इस पर हम आखिरी सेगमेंट पे वन वे टॉकिंग अबाउट यूर ट्वीट दैन विल डेफिनेटली टॉक अबाउट दिस विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक विल बी राइट बैक देखते रहे स्पोर्ट्स लाउन जियो सुपर वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स लाउंज प्रेजेंटेड बाय वर्ल्ड ट्रिपल सेवन न्यूज ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे पाकिस्तान वर्सेस इंडिया की लेकिन ये वाइद ही पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच नहीं होगा क्योंकि अभी कुछ दो दिन बाद एक और स्पोर्ट में भी पाकिस्तान वर्सेस इंडिया विल टेक प्लेस और हम बात कर रहे हैं वुमेन फुटबॉल की आठ साल बाद पाकिस्तान की वुमेन टीम विल टेक पार्ट इन नॉट जस्ट एन इंटरनेशनल टूर्नामेंट बट एन इंटरनेशनल गेम आफ्टर एट ईयरस और हमने आपको जिसना पहले कहा था कि हम कोशिश करेंगे कि ये सैफ वेमेन चैंपियनशिप के ऊपर आपको एक प्रीव्यू शो करके दें तो इसी सिलसिले में आज वे वेरी वेरी लकी टू बी ज्वाइन बाई टू ऑफ द बेस्ट पीपल यू कैड एवर इमेजिन टू डिस्कस पाकिस्तान फुटबॉल उमेद वसीम जो स्पोर्ट्स एडिटर हैं द डॉन के और उनके साथ हमें जॉइन किया आज सैयद अली एहसन हुज द एडिटर ऑफ फुटबॉल पाकिस्तान

इस तरह फुटबॉल को। right now, overall, Pakistan, uh, बहुत बहुत शुक्रिया हैदर आपने अपने शो में हमें इनवाइट किया। सबसे पहली बात तो ये है कि गर्ल्स बैक आठ साल का एक बहुत बड़ा मुद्दत गुजरी है बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ी नो इंटरनेशनल एक्शन विमेंस फुटबॉल भी कोई खास तौर पर नहीं हुई सिर्फ दो नेशनल चैंपियनशिप्स हुई इन आठ साल के बहरान में और आधी चैंपियनशिप के दौरान फिर वो कब्जा ग्रुप हो गया पी एफ एफ के ऊपर तो हैविंग द गर्ल्स बैक इन एक्शन फाइनली हैविंग टू सी दैम प्ले आफ्टर एट ईयर्स इज एन अचीवमेंट नन दस मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छा कदम हो सकता है उस पर आगे भी हम वर्क कर सकते हैं कि किस तरह वुमेंस फुटबॉल को मागे ले जा सकते हैं पाकिस्तान में खासतौर पर उमेद थोड़ा सा इससे पहले कि मैं स्पेसिफिकली मैच uh, पर बात करूं थोड़ा सा आप भी मुझे बताएं क्योंकि आपने भी ये बहरान बड़े ब, बहुत डिटेल में कवर किया है इस वक्त काफ़ी ऐसी खिलाड़ी हैं जो आठ साल पहले भी जब ये इस्लामाबाद में इन्होंने लास्ट टाइम खेला था तो दिस स्टिल पार्ट ऑफ द टीम सो आई मीन फॉर प्लेयर्स लाइक दोज अगर आपकी इनके साथ कोई इंटरेक्शन हुई है कोई बात हुई है तो उनके लिए पर्सनली वॉट डज दिस मोमेंट मीन फॉर दैम देखिए प्लेयर्स uh, जो हैं ऑफ कोर्स यू नो इट्स बीन अ लॉन्ग स्ट्रगल मतलब हमारी जो प्लेयर्स हैं वुमेन प्लेयर्स खास तौर पे दे हैव सफर द मोस्ट इफ यू लुक एट जो पाकिस्तान फुटबॉल में इतनी लंबी क्राइसिस चली है मेंस को बीच में थोड़ा बहुत एक्शन मिलता रहा बट इट्स द वेमेन वो एक्चुअली बीन लॉन्गिंग फॉर दिस अपॉर्चुनिटी अब ये ऑपरचुनिटी आई है तो ऑफ कोर्स थोड़ी सी खुशी भी है वी आर बैकिंग आवर गर्ल्स टू परफॉर्म सबसे ज्यादा ये है कि वो जाए वहां खेलें अच्छा खेलें एंड बेसिकली द थिंग इज कि आप इससे बिल्ड अपॉन करें फॉर द फ्यूचर ये वाला जो एक टूर्नामेंट है ना आई मीन आई फॉर वन आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि हम जाके वहां फाइनल में पहुंच जाएंगे या हम टाइटल जीत जाएंगे दैट शुड नॉट बी एनी 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 सेम पर्सन को ये एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि हम वहां जाके जीत जाएंगे दिस इज न्यू टीम यस इट हैज एट एट प्लेयर्स जो लास्ट इंटरनेशनल जो हमने खेला था उसमें वो पार्ट थी बट दैट इज इट उसके अलावा एक नया स्कॉड है फ्रेश क्रॉप ऑफ प्लेयर्स हैं एंड वी एक्सपेक्ट कि हम जाके अच्छा खेलें भले रिजल्ट्स भी हमारे ना आए लेकिन अगर हम अच्छा खेलेंगे तो दैट्स एंड द मैसेज ऑफ इट्स ओन के जी हाँ पाकिस्तान फुटबॉल इज बैक अली उमेद बहुत अच्छी बात की कि इस वक्त इनसे एक्सपेक्टेशंस हम सबको मैनेज करनी चाहिए आठ साल बाद आ रहे हैं अच्छा अली मैं जब प्रीव्यू शो के लिए प्लानिंग कर रहा था ना तो बहुत मुश्किल होता है किसी भी स्पोर्ट पर या किसी भी टीम पर प्रीव्यू प्रिपेयर करना जब आपको आठ साल में पता ही ना हो कि उनका तर्स ऑफ प्ले क्या रहा या उनके क्या स्टैंड आउट फीचर्स रहे सो so, लेकिन कुछ जो ऑब्वियस चीज़ें हैं जो एटलीस्ट वो नहीं होता कि वो आ, ले पर्सन के हिसाब से जो कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको फ़ौरन स्ट्राइक करती हैं उन पर तो हम बात फ़ौरन कर सकते हैं सबसे पहले तो ये है कि हमने देखा कि पी एफ एफ ने इस दफ़ा इंटग्रेट किया डूल नेशनल प्लेयर्स को इनटू द सिस्टम मारिया खान को uh, लाए मतलब दे वाज अ कैंपेन मारिया हर आप लोगों ने बहुत डिटेल्ड एक प्रोफाइल भी मारिया पर किए जो हमारा शो देख रहे हैं उन्हें मैं एडवाइस करूंगा कि आप जाकर वो फुटबॉल पाकिस्तान पर वो प्रोफाइल ज़रूर पढ़ें लेकिन मारिया हो गई नादिया हो गई आई मीन जस्ट टेल एस बेट अबाउट इफ यू पॉसिबली कैन शेड द लाइट ऑन सम ऑफ द की प्लेयर्स दैट वी शुड बी लुकिंग आउट फॉर नॉट जस्ट दिस टूर्नामेंट बट ऑल्सो द फ्यूचर हाँ जी मारिया खान पाकिस्तान वेमेंस नेशनल टीम की कैप्टन है नादिया खान आई हैं डॉन कास्टरबल बेल्स इंग्लैंड uh, से मारिया आई हैं से मारिया खान के बारे में बस मैं जिस तरह हमने प्रोफाइल ब्रीफली कहूंगा कि शी इज दी ग्रैंड डॉटर ऑफ स्काश लेजेंड हाशिम खान एंड ऑल्सो रिलेटेड टू अनदर स्काश लेजेंड जहंगीर खान थ्रू दी एक्सटेंडेड नवा किले स्काश खान फैमिली Um, ये तो आपके दोनों फॉरेन बेस्ड आपके डैश फॉर ओवरसीज प्लेयर्स हो गए डोमेस्टिक प्लेयर्स के अंदर जो कि रिसेंटली अभी जो नमूदार हुए हैं वो दलाश कप लॉफी है जिसके अंदर सुहा हिरानी आती हैं जो कि एक जमाने में कराची यूनाइट के लिए और हो, होती थी कराची सिटी फुटबॉल क्लब के लिए खेलती हैं इसी के साथ साथ मारवी बेग जो कि गिलगिल बल्तिस्तान साइड से आई हैं और वो शीज फेयरली यंग लाइक सेवेंटीन ईयर्स ओल्ड एंड ऑफकोर्स रमीन फरीद जो कि uh, पाकिस्तान की विमेंस टीम की अंडर एटीन टीम के लिए भी खेली थी अराउंड इन जिसके अंदर वो पहला आई थिंक इवेंट था यूथ लेवल पर पाकिस्तान की टीम ने खेला था काफी अरसे बाद तो दीज आर द काइंड ऑफ प्लेयर्स यू हैव टू लुक आउट फॉर सीनियर्स के अंदर ऑफ कोर्स मलिक हु इज द वाइस कैप्टन शी इज टू कीप थिंग्स टाइडी इन मिडफील्ड मतलब एक वो भी स्पोर्टिंग खानदान से उनके हस्बैंड एक यू नो मिक्स मार्शल आर्टिस्ट हैं और ट्रेनर भी हैं एंड दीज आर द काइंड ऑफ प्लेयर्स यू लुक आउट फॉर एक तो आपकी ओल्डर जनरेशन जो कि आठ साल पहले खेली थी एंड द न्यू जनरेशन हु हैव द फ्लेयर हु हैव द स्किल हु हैव mentality to go forward to allah better career i hope they can able to perform in you know

जदीक मतलब मैं तो आज भी कहता हूं अगर अगर पाकिस्तान क्रिकेट आ, से मुआजना करें तो आप देखते हैं के के टैलेंट सामने आ रहा है so, uh, थोड़ी सी कॉन्वरेशन एंड जस्ट अबाउटिज्म टू द फोर हाँ जी बिल्कुल बिकॉज गिल जो कि बाकी शहर अब तक उसको एम्यट नहीं कर सके खासतौर पर हंजा वैली हो खास गिलगिट शहर हो इन इलाकों में वुमेंस फुटबॉल इज नाउ टेकिंग टेकन ऑफ क्वाइट तो जब प्लेयर्स वहीं से आ रहे हैं इसमें नहीं बात किया है जो गिरामी कदर हजरत व्हाट्सएप पे ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर या मीडिया स्पेसिस के अंदर अनशंट की फजूल बात करते हैं कि भाई फलाने इलाके से ज्यादा प्लेयर है भाई जो बेस्ट प्लेयर है उसी को सिलेक्ट करेंगे ना अगर वो एक खास इलाके का प्लेयर है उसी को सिलेक्ट करें बाकी शहरों में अगर वुमेंस फुटबॉल हो रही तो शायद लाहौर में हो रही हो या कराची में हो रही हो या इस्लामाद में हो रही हो बट गिगल पुल्तान इज एट अनदर लेवल जो प्लेयर वहां से आ रहे हैं उनको आप इस्तेमाल करें बिकॉज स्किल वहीं बनती है इंटरेस्ट भी वही है शॉक भी वही है और क्या कहते हैं सपोर्ट भी कम्युनिटी सपोर्ट भी वहीं की है तो जो प्लेयर वहां से आ रहे हैं दैट्स परफेक्टली फाइन There's nothing wrong with it. Yeah, absolutely right, and I agree with you. I mean, I said that because, I mean, I'm not taking really this thing too seriously. But I'm coming to a different perspective. We have automatically uh, Ali has listed out a number of players. Obviously, it's, it's, it's a mixture of youth and experience. We'll also see the return of some. प्रोमनेंट नेम्स मैं कहूँगा जैसे आ कि हाजरा हो गई मापारा हो गई मल्लानूर का तो ऑलरेडी जिक्र कर दिया है आ, अली ने मैं ज़रा थोड़ी सी आपसे बात करना चाहूँगा ओवरऑल कॉम्पिटिशन के सिलसिले में जब पिछली दफ़ा सैफ वूमेन चैम्पियनशिप हुई थी होम कंडीशन में पाकिस्तान की हुई थी तो तब भी समझा मतलब काफ़ी क्लियर था कि पाकिस्तान वॉज अफेक्टिवली प्रॉबली द थर्ड सीटेड टीम इन दैट टीम इन दैट टूर्नामेंट लेकिन अब क्योंकि इतने अरसे से खेले नहीं हमें सही तरह सीडिंग करना तो बहुत ही ना इंसाफी होगी इस टीम के साथ बट आई एम एम आई गोइंग थ्रू द रोस्टर्स एंड एवरी थिंग आई वुड से दैट पाकिस्तान वुड एक्सपेक्ट टू गेट सम रिजल्ट अगेंस्ट द लाइक्स ऑफ भूटान Um, पाकिस्तान का जो ग्रुप है बेसिकली हमारा यू कैन एक्सपेक्ट अस गेटिंग अ रिजल्ट अगेंस्ट दैट इज आवर बेस्ट अभी बांग्लादेश एंड इंडिया इंडिया देखिए इज इज ऑन अनदर लेवल आई मीन एक्सपेक्टिंग वुड बी वेरी पार्फेक्श इंडिया की जो टीम है उसमें प्लेयर्स हैं अभी रिसेंटली उनकी एक फॉर्वर्ड है सोमिया गौत उन्होंने डीनमो जागरे विमेन्स टीम के लिए साइन किया है अभी बस ये साफ कुछ आ, से कुछ दिन पहले दे हैव फॉरवर्ड जो उज्बेकिस्तान में खेलती है डैंग माइ ग्रेस उनकी गोलकीपर अद्युति चौहान एज प्लेट फॉर वेस्ट हैम लेडीज सो so, आई I मीन mean, इंडिया में और फुटबॉल का जो कल्चर भी है इंडिया की जो टीम जो आ रही है ये बेसिकली मेजोरिटी uh, जो है वो गोकुलम केरला uh, क्लब है दे वर ड्यू टू पार्टिसिपेट इन द सी विमेन्स चैम्पियनशिप अभी जब थोड़े दिन पहले इंडिया पे बैन लगा उनकी टीम उजबेकिस्तान पहुंच गई थी rather, way, जब उनको पता चला कि ए पे बैन लग गया वो प्लेयर्स एफ सी चैम्पियनशिप खेल नहीं सकी जब वो कल फील्ड पे उतरेंगी वो उनका पहला मैच होगा सिंस दैट हार्ट ब्रेक ऑफ नॉट बीइंग एबल टू पार्टिसिपेट इन दी एफ सी चैंपियनशिप तो वो पाकिस्तान के खिलाफ बदला निकालने की पूरी कोशिश करेंगी और बेसिकली इट वुड बी मोर ऑफ लाइक यार हमने वो अपॉर्चुनिटी मिस की लेट्स गिव आर बेस्ट हियर तो मतलब इंडिया में फिर स्ट्रक्चर वाइज भी विमेन्स फुटबॉल काफी ज्यादा डेवलप हो गई है इंडिया की रैंकिंग बहुत अच्छी है हमसे तो कल का मैच इज टूर्नामेंट वीड एक्सपेक्ट के जो हमारे कोच है बॉल मोर देन पाकिस्तान में हमेशा कोई स्टाइल नहीं रहा है फुटबॉल का खासतौर तो पर ऑलवेज बिन के हाँ आपने बॉल ऊपर मार दी कोई भाग गया आगे से बॉल कुछ हो गया बट नाउ इट्स अबाउट ऑफ फिलोसफी अदिल रिस्की साहब जो आए हैं आई I मीन mean, मैंने उनके कोचिंग क्रेडेंशियल्स पे भी क्वेश्चन किया कि उन्होंने कभी टॉप लेवल पे कोचिंग नहीं की बट आई मीन वी आर होपिंग कि हमारी टीम कल कोई आइडेंटिटी शो करे इतना लंबा ट्रेनिंग कैंप हुआ है सो आई होप दैट सम आइडेंटिटी हैज बीन इंफ्यूज्ड इन द्लेयर्स के हम इस तरह खेलेंगे अगर हम एक फिलॉसफी के साथ खेलें अगेंस्ट इंडिया हु वी माइट गेट अ रिजल्ट ऑफ कोर्स मतलब ऑन पेपर इट्स वेरी डिफिकल्ट नहीं वो तो वो तो शु, शु, शुरू से ही हमें आई थिंक एक्सपेक्टेशन मैनेज करके ही चल रहे बट दिस इज़ दिस इज़ एन दिस इज़ स्टिल अ मोमेंट टू सेलिब्रेट द रिटर्न ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल फॉर फॉर दिस प्लेयर्स अली ज़्यादा टाइम आपको और नहीं लूँगा अदील रिस्की की बात की है उमैद ने और उमैद ने साथ में वो जो कहा कि उन्होंने खुद क्रेडेंशियल से सवाल उठाया खैर में हमने भी सवाल उठाए मैं इस मौके पे ये भी बताता चलूं कि हमने पीएफएफ से कुछ अपने शोज में सवाल उठाए थे पीएफएफ ने हमें तकरीबन पाँच दिन पहले कहा था कि हमारे शो से पहले हमें जवाब देंगे अभी तक उन्होंने कुछ नहीं दिया आ, मैं इस वक्त फोकस चाह रहा हूँ कि सारा हमारा फील्ड पर ही हो मैं बिल्कुल ये बात नहीं कर रहा कि अब मेरे पास सवाल फीफा कनेक्ट से रिलेटेड भी हैं क्लब्स की रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड भी हैं इस नॉर्मलाइजेशन कमेटी का जो मेन मेन मैंडेट है कि उन्होंने इलेक्शन करवाना है वो

वलीद जावेद खान जिनके असिस्टेंट हैं ही वॉज दी कोच ऑफ दी हाई लैंडर्स फुटबॉल क्लब जो अभी जो पिछला जो वेमेंस चैंपियनशिप जो डिस्टर्ब हुई थी जिसमें बहुत सारे प्लेयर्स इनके गिलगित बल्तिस्तान साइड से थे दे परफॉर्म क्वाइट वेल एंड ही इज क्वाइट इन्वॉल्व इन यू नो ट्रेनिंग यू नो वन ऑन वन ट्रेनिंग करवाते हैं प्लेयर्स की खास तो प्लेयर्स की इज वेरी मच इंटरेस्टेड इन दैट जो गोल कीपिंग कोच हैं वो हैं एहसानुल्ला खान आ, पाकिस्तान नेशनल टीम के भी गोल कीपर हैं सुई सदर गैस कॉरपोरेशन के भी वो मेन गोल कीपर हैं हनीफ के अंडर स्टडी हैं

वो हमें अब तक नसीब नहीं हुआ तो अभी तक हमने सिर्फ कैंप ही कर सके क्योंकि हमारा पहला मैच इंडिया के साथ होना है और इंडिया इज रैंक 58 इन द वर्ल्ड और पाकिस्तान इज अंडरैंक बिकॉज हमने पिछले आठ साल में कोई मैच नहीं खेला इट्स गोइंग टू बी अ वेरी टफ बैपटिजम ऑफ फायर मैं कहता हूं ना कि जो पहला मैच होगा फिर अगला मैच बांग्लादेश के साथ है आर वन ऑफ दी बेटर टीम्स इन साउथ एशिया आखिरी मैच मालदीव के साथ होना है तो यू you नो know, हमारे अफराज जो है वो इंग्लिश प्रीमियर लीग ला लीगा चैंपियंस लीग देख के हमारा एक सेट स्टैंडर्ड दिमाग में होता है कि हमने फुटबॉल इस तरह खेलनी होती है दैट्स नॉट गोइंग टू बी द केस तो, तो को थोड़ा हम

मेरी उम्मीद ये है कि uh, अदिल रिस्की साहब और उनके असिस्टेंट्स है दे आर एटलीस्ट भी बी स्टिलिंग सम काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस इन द गर्ल्स के भाई इट डजेंट मैटर वर् द रिजल्ट्स आर जस्ट गो आउट एंड प्ले योर नेचुरल गेम एंड जस्ट एंजॉय योरसेल्फ थैंक यू सो मच अली थैंक यू सो मच उमैद फॉर योर टाइम ये थे जी uh, सैयद अली एहसन फुटबॉल पाकिस्तान और उमैद वसीम स्पोर्ट्स एडिटर डॉन हम बात कर रहे थे पाकिस्तान वेमेन टीम की जो सैफ वेमेन चैम्पियनशिप में हिस्सा लेगी और सात तारीख को अपना पहला मैच खेलेगी इंडिया के ख़िलाफ़ जैसा कि इन दोनों हजरात ने बताया कि वी नीड टू मैनेज आयर एक्सपेक्टेशन बट दिस इज स्टिल अ मोमेंट ऑफ सेलिब्रेशन

वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स लॉन्च प्रेजेंटेड बाय वुल्फ ट्रिपल सेवन न्यूज़ हमने आपके ट्वीट्स पे जाने से पहले कुछ और भी स्पोर्ट्स की न्यूज है मुझे पता है बहुत कुछ हो रहा है स्पोर्ट्स में मैनचेस्टर uh, यूनाइटेड ने हासिल को हरा दिया वी शुड हैव डिस्कस दैट इज़ वेल लेकिन कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में उस उसमें बात करें खासतौर पर एंटनी ने जिस किस्म का डेब्यू किया था दैट वॉज़ वेरी हार्ड थिंग फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस एंड सडनली आफ्टर इन इन वन वीक और सो इट लुक्स लाइक अ कंप्लीटली डिफरेंट यूनिट ऑल टुगेदर फॉर्मूला वन में सरप्राइज सरप्राइज मैक्स Happened Dutch Jung Grand Prix Jeet kai. So, I mean, no surprises there. Like in George Russell finished second, and uh, Charles Leclerc was third. So, we will try to discuss. ऑल ऑफ़ दिज अदर स्पोर्ट्स वी एशिया कप इज़ ओवर लेकिन थोड़ा सा मैं इससे पहले क्या आपकी ट्वीट्स की तरफ चलूँ रिहान हमने बहुत डिटेल में कॉन्वर्सेशन करते रहे हैं अबाउट पाकिस्तान से परफॉर्मेंस अगेंस्ट इंडिया अगला मैच वेंसडे को है अगेंस्ट अफग़ानिस्तान जिसके अंदर सबसे ज़्यादा एक तो पहली बात यह कि अफगानिस्तान पिछला मैच जो हारा है श्रीलंका से दे वो देर फेवरेट्स टू विन देट गेम बट दे लॉस्ट सो ऑब्वियसली देव एवरी थिंग टू प्ले फॉर लेकिन पाकिस्तान का सबसे बड़ा आई थिंक कंसर्न होगा अफगानिस्तान का ओपनिंग पेयर खास तौर पर क्योंकि आर द वंस यू कैन टेक द गेम अवे रमान गुरबाज एंड हजरतुल्ला जजाई यहाँ पर कहना गलत नहीं होगा कि वी कैन प्रॉब्बली सी नवाज और इफ्तार बीन इंट्रोड्यूस्ड इन द पावर प्ले हालांकि आई थिंक आप पर मैं ज़्यादा कम्फर्टेबल होंगे अगर जोड़ता है ही इज वन ऑफ दोस्ट टैलेंटेड टॉप ऑर्डर इट वॉज सरप्राइजिंग टू मी कि लास्ट ईयर जो है उसको टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप के अंदर जो है उसको ग्लव्स नहीं दिए और आई थिंक उसको उतनी रिस्पांसिबिलिटी नहीं दी अभी दिस इज हाउ ही प्लेस दिस एंड द सरप्राइजिंग थिंग इज के पहले मैच में जब उसने आके मारना शुरू किया था तो कॉमेंट्री जो चल रही थी वो ये थी कि वी वर गुरबाज तो ऐसे नहीं खेलता ऐसे तो जजई खेलता है विच इन फैक्ट इज़ नॉट ट्रू गुरबाज का अगर आप ओवरऑल रिकॉर्ड देखें टी टेन देखें या कहीं और वो खेलता है या इवन पी एस एल देख लें या डिफरेंट लीज जो वो खेलता है वो इसी तरह खेलता है ही टेक्स दी अटैक टू दियपोजी डजन मैटर इफ ए स्पिनर अर फास्ट बॉलर दिस इज हाउ ही प्लेस दिस हाउ इज गोइंग टू प्ले अफगानिस्तान का भी वो पाकिस्तान वाला थोड़ा मसला ये है कि नो no मैटर जितना मर्जी अफगानिस्तान को अच्छा स्टार्ट मिल जाए अगर वो च, आ, स्कोर सेट कर रहे हैं तो उनको आइडिया नहीं होता कितना स्कोर सेट करना है तो यू नो पिछले मैच में जो उनको स्टार्ट मिला था द स्कोर द सेट

अगेंस्ट अफगानिस्तान ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं और दूसरा एंड हाउ यू हैंडल मुजीब राशिद एंड एंड कंपनी आल्सो हाउ यू मेक श्योर के जो नजीब वाला जतरान है उनकी जो बैटिंग है वो नीचे से नीचे आती रहे नीचे से नीचे से मतलब ये जरूरी नहीं है सम टाइम्स इन समी ट्वेंटी अगर आप वो, वो पीरियड को एक्सटेंड कर दें जो कि पिछले मैच में श्रीलंका ने भी काफ़ी हद हाँ तक किया ड्राई तो आउट कर दें आउट कर दें एंड ये जो उनका यू नो बिग पावर हिटर है उसकी बारी लेट से लेट आए तो दैट कैन ऑल्सो वर्क इन योर एडवांटेज आपके ट्वीट्स की तरफ चलते हैं लेट्स गो एंड टेक योर ट्वीट्स आप सबके हम शुक्रगुजार हैं कि आपने एक बार फिर हमें बहुत ज़्यादा अपने ट्वीट्स भेजे कुछ ओवरलैपिंग ट्वीट्स होंगे ज़्यादातर फ़खर जमान से रिलेटेड थे वो हमने अपने शो में वैसे तो बात कर दी है लेकिन वील ट्राई टू आंसर सम ऑफ वेल द फर्स्ट ट्वीट ऑन द स्क्रीन नाव जी uh, जुनेद ये जुनेद दो, uh, ने दो ट्वीट्स किए उन्होंने कहा कि जी मुझे लगता है पाकिस्तान अभी भी बाउंसर्स को अच्छा नहीं खेल रहा इंडिया ने ट्रिक मिस किया और खुश दिल इज़ नॉट अ गुड प्लेयर अगेंस्ट स्पेस और स्पेन एंड वॉट शुड भी पाकिस्तान स्ट्रैटी फॉर द नेक्स्ट मैच स्ट्रैटी के अंदर तो हमने ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया मैं जुनीद भाई यहाँ पर सिर्फ इतनी बात करूँगा हमने आज अपने पहले सेगमेंट में बात की थी डायमेंशनस की और सारा कुछ और उसमें पॉइंट आउट किया था कि कुछ खिलाड़ी फिर एक जगह पर टारगेट करके छक्के मारते हैं और हम फिर एज स्पेक्टेटर्स उन्हें क्रिटिसाइज़ करते हैं यार इनके पास सिर्फ एक ही शॉट है दूसरी शॉट नहीं मारते जबकि दुनिया भर में अगर आपकी एक अच्छी शॉट है दे बैक यू टू एट लीस्ट हिट दैट शॉट प्रॉपरली और वो आपको बिल्कुल उन्हें इस बात की परवाह नहीं होती कि आप बाकी शॉट्स अपनी डिवेलप uh, करें नहीं करें हाँ आप बॉल मैनेज करना जरूर सीख लेते हैं लेकिन दे हेल्प यू आउट द सेम थिंग विद आसिफ अली जो आपके हिटर्स होते हैं इनके एक स्ट्रॉन्ग जोन होते हैं. के, uh, Banton, scene, तो के हैं लगे कि ये तो सिर्फ लेग पे छके मारता है उसमें मैं मैंने भी इनिशियली सोचा कि यार ये तो एक ही जगह छक्के मार रहा है देन यू डिग अप डेटा एंड यू रियलाइज के सब एक ही जगह छक्के मारते हैं ठीक है लेकिन इस पी एस एन में अगर आप निकाल लें तो खुशदिल ने पॉइंट के ऊपर ऊपर से छह मारे मेरा मतलब एक सेट तो में वैसे क्या आउटलायर्स हैं ठीक है हाँ। लेकिन मोस्टली तो दुनिया का हर प्लेयर जो है उसकी कुछ स्ट्रेंथ होती है कि इस जगह पे इसकी पावर हिटिंग सबसे बेहतर है दूसरी बात ये कि आपने कहा कि खुशतिल का जो है पेस के पेस पे स्ट्रगल करता है मैं आपको बता दूं हसन चीमा ने स्टार्ट हॉकर का डेटा भी पोस्ट किया हुआ था 140 प्लस के ऊपर के जो बॉलर है ना दुनिया में उनके बेस्ट हिटर्स है ना दो आपकी टीम में इस वक्त जो 140 से ऊपर वो दो हैं अली और खुश दिल लेकिन क्योंकि हमने एक वो बना लिया और क्योंकि वो नैरेटिव चल गया है कि ये दोनों टीम में क्या कर रहे हैं यू नो ये स्पिन भी नहीं खेल सकते पेस भी नहीं खेल सकते क्योंकि वो एन एविडेंस है एक दो मैचेस के ऊपर है इसलिए हमने उसको पकड़ लिया इन एक्चुअल फैक्ट जब आप देखेंगे तो मे दर इज अर प्रॉबेबिलिटी ऑफ आशिट कुश्दिलेटिंग आउट ऑन मीडियम एक्चुअल फास्ट बॉलर एब्सोल अगला ट्वीट हमारे सामने स्क्रीन पर जी यूसुफ जई शुड फखर एंड प्ले है इन नेक्स्ट टू मैचेज इफ धानी नॉट फिट शुड यू प्ले हासन इन वन ऑफ दीज टू मैचज पहले फ़खर वाली बात पर तो आई डोंट थिंक जी भाई के बनता है फ़खर को रेस्ट कराना इस वक्त uh, क्योंकि अब

एंड में आप फिगर्स देखेंगे लेकिन वो जो पांड्या विकेट है उसकी वजह से ये हुआ कि इंडिया कूडेंट एक्सेलरेट और ट्राई टू एक्सेलरेट जिसकी वजह से वो एक दो ओवर वहाँ पर निकल जाते हैं क्योंकि दैट विकेट इज़ वेरी वेरी क्रूशल तो हसनैन यू नो ऑब्वियसली इट कम्स इन टू द टीम लाइक दैट हसन को अगर आपने खिलाना है कि नहीं उसमें क्वेश्चन आपका ये आता है कि डू यू फील कंफर्टेबल राइट नाउ विद द करंट पेस बॉलिंग अटैक या आप चाहते हैं कि किसी को रेस्ट दे या किसी को अगर इंजरी निगल है तो ज़रूर आप हसन को लेकर आ सकते हैं टीम के अंदर हम पहले भी बात कर चुके हैं पाकिस्तान की जो बॉलिंग रिसोर्सेज हैं दे आर एक्सेप्शनल इंडिया को अगर आप देखें अभी तो हम बात कर रहे थे कि इंडिया की बॉलिंग सोस भी काफ़ी अच्छी हो गई है लेकिन इंडिया को एक दो इंजरीज के बाद उनको भी काफ़ी हुई है लेकिन आवेश के जाने के बाद उनको पांड्या एज ए थर्ड सीमर यूज करना पड़ा पाकिस्तान के अभी वसीम शाहीन वर इंजर्ड धानी ऑल्सो गॉट इंजर्ड डिस्पाइट डैट आपके साथ स्नैन आया है और अभी आपके पास एक और प्रेसर बचा हुआ है एंड ऑल ऑफ दीज आर टॉप क्वालिटी बॉलर इसमें ये तो दैट गि ऑफोर्स फखर की जहां तक आपने बात की अगर आपने कुछ एक्सपेरिमेंट करना था तो हॉन्गकॉग वाला मैच था अभी अगर आप फखर को ड्रॉप करेंगे तो दैट इज अ पैनिक मैसेज दैट इज कंप्लीटली पैनिक इस्पेशली जब अभी लिटरली दो दिन पहले यार फखर ने तब भी फिफ्टी मारी दिया टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन Kashif what should we do a Fakhar? neither he's playing his natural game nor he's attacking the spinners shan has performed extremely well this year in top 4 considering our next tour versus england at home we should try shan at 3 or 4 give him proper run at that position at least 3 4 matches Kashif bhai yatra thoda sa uh, to answer sirf अभी मतलब एज वी रिकॉर्ड दिस शो शान ने फिर नंबर चार पे फोर्टी सिक्स आई थिंक 46 सिक्स रन कर दिए हुए तो देखिए शान के तो वे वे डेफिनेटली इन फ़ेवर ऑफ हिम और ज़्यादा सवाल यही था कि अगर शान को जो इस वक्त जो एटलीस्ट थिंक टैंक से बातें सामने आ रही थी या रिपोर्ट सामने आ रही थी वो ये था कि शान को नंबर चार पे कंसिडर तो किया जा रहा है दैट वॉज नेवर इन प्लेस ऑफ अगर एट दिस स्टेज इफ आई एम नॉट मिस्टेकन दैट वज नॉट वॉट वॉज कंसिडर्ड लेकिन इंग्लैंड वाले टी में अगर इन्होंने कोई

टॉप थ्री का एक रोल डिफाइन किया हुआ है कि यू you नो know, आपका आप टॉप थ्री इतने नंबर ऑफ बॉल्स खेलेगा उसके बाद आपके नीचे वाले अटैक करेंगे या तो आप उसका रोल चेंज करके देन यू जाच एम अकॉर्डिंगली माय क्वेश्चन इज़ के अगर दिस इज द रोल दैट इज गिवन टू हिम एंड ही स्कोरिंग रन और एक मैच में उसने नहीं किया स्कोर तो इसका यह मतलब नहीं यू कंप्लीटली चेंज अगर आपने अप्रोच चेंज करनी है गिव हिम अ कपल ऑफ मैचेज विद दैट अप्रोच सी यू इट वर्कस और नॉट जहाँ तक इंग्लैंड सीरीज की आपने बात की पाकिस्तान शुड डेफिनेटली डेफिनेटली इन दैट सीरीज़ फॉर द वर्ल्ड कप इवन अगर आपको यू नो मैच हारने पड़ते हैं पाकिस्तान शुड ट्राई टू यू नो गिव मोर बॉल्स इन एन इंटरनेशनल क्रिकेट टू देर मिडल ऑर्डर एंड उसका ये मतलब नहीं कि आप ओपनर यू नो जाके आउट हो जाएं। आप ये भी कर सकते हैं आप बैटिंग ऑर्डर कंप्लीटली शफल कर सकते हैं टू गिव दो प्लेयर्स मोर टाइम इन द मिडिल इंटरनेशनल क्रिकेट एंड एंड यू नो इवन शान कैन बी एडेड फ़खर कैन गो ओपन उसका ये मतलब नहीं कि बाबर रिजवान निकल जाएंगे दे आर वेरी सिक्योर इन प्लेस राइट नाउ एंड आई दे नीड टू जगह अंडर क्वेश्चन है तो इट्स बेटर टू अपॉर्चुनिटीज टू अदर प्लेयर्स आखिरी सवाल ले लेते हैं we'll आखिरी सवाल जी स्क्रीन पर आ, अब्दुल्ला मसूद अंसारी ये इनके दो ट्वीट से आगे पीछे उन्होंने कहा कि जी मैं आपको एक अमेजिंग फैक्ट बताता हूँ इस्लामाबाद का एवरेज स्कोर बारहवें ओवर पर पी एस में एक था आ, मुल्तान का एवरेज स्कोर नाइन्टी था बोथ अप ऑन वन एवरेज उनका जो दूसरा सवाल था वो ये था कि मैं बेसिकली कहना ये चाह रहा हूँ कि हर टीम की अपनी अप्रोच होती है हर एक की अप्रोच उनके लिए काम करती है पाकिस्तान इज़ प्लेंग मोर इन द मुल्तान सुल्तान वे अब्दुल्ला वाइल आई अप्रीशिएट कि आपने यह वाली बात की लेकिन थोड़ा सा पाकिस्तान टीम में और मुल्तान सुल्तान में थोड़ा सा फख थोड़ा सा डिफरेंस आपको क्रिएट करना पड़ेगा क्योंकि मुल्तान, मुल्तान, मुल्तान काफेक्टिवली मतलब देवा मैचिज़ मैं अब तो इस तो तनवीर आपसे well. पहले बात की थी ना कि प्लेयर्स को क्यों इशू होता है कभी कभी स्टार्ट से उसका उसकी वजह यह है कि अगर आप ये अभी आपने स्कोर की बात की कि इस्लाम दोनों का एवरेज स्कोर सेम था दोनों का एवरेज स्कोर आपको सेम नजर आ रहा है आपने कहा कि मुल्तान उस तरह खेला और वो इस्लामाबाद उस तरह खेला इस्लामाबाद का अगर आप ओवरऑल रिकॉर्ड देखेंगे तो आखिरी चार मैचेज में इस्लामा डि नॉट है सिंगल टॉप ऑर्डर प्लेयर अवेलेबल मनरोज इंजर्ड हेल्स वॉज आउट स्टर्लिंग वॉज आउट सो बेसिकली अगर आपने डेटा भी एनालाइज करना फुल स्ट्रेंथ टीम्स के ऊपर करें मुल्तान वाज बॉलिंग मच बेटर दैन इस्लामाबाद एंड दैट वाज द डिफरेंस बिटवीन द टू टीम्स दैट वाज द मेन डिफरेंस बिटवीन द टू टीम्स एंड नॉट जस्ट डैट हैटिंग हम हमेशा से हाली बात करते हैं कि आप बेशक अबू धाबी भी निकाल लें अबू धाबी लाइक भी निकाल लें मुल्तान वॉज विनर्स प्राइमरली बिकॉज द बोलिंग डिलीवर्ड Uh, and it basically made the job easy for the batsman ryan thank you so much for your time and for your analysis abko marashok kesa laga A feedback is rudi jega match pakistan versus afghanistan on wednesday uh, we will try टू बेसिकली डू अ रिव्यू ऑफ़ दैट शो हो सकता है कि मुझसे पहले ऑन एयर ना आए लेकिन अगर आपके कोई सवाल हो तो ज़रूर हमारे साथ सोशल मीडिया पे ज़रूर शेयर कीजिएगा जाते जाते एक बार फिर आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि फ्लड अफेक्टेड एरियाज़ में जितनी भी आप सपोर्ट प्रोवाइड कर सकें जितनी भी आप डोनेशन दे सकें इस्पेक्टिव कि आप किस ऑर्गेनाइजेशन को दे रहे हैं किस एन को दे रहे हैं ये आप पर डिपेंड करता है लेकिन अगर आप हेल्प आउट कर सकते हैं तो आप ज़रूर करें इस नोट के साथ हैदर को इजाजत दें ख़ुदा